मेरा सवाल ये है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का हक आपने छीना हमसे, तो इसलिए छीना कि चलिए किस अफसर को कहां पे लगाएंगे ये आप तय करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं एलजी साहब से कि किस आधार पे एलजी साहब ने राहुल अग्रवाल जैसे रिश्वतखोर सस्पेंडेड अफसर को इस आशा किरण शेल्टर होम का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। कुछ तो होगा, कोई तो आधार होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि लूडो की तरह गोटियां चलाते होंगे, छह, अच्छा ये छह आ गया इसको यहां डाल दो। कुछ आधार होगा, कोई लॉटरी सिस्टम होगा, लॉटरी सिस्टम है तो भी बता दे एलजी साहब, हमें उसमें भी एतराज नहीं कि भाई हम तो पर्चियां डालते हैं उससे निकाल के कर देते हैं कि इसको यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो। या कोई रिकमेंडेशन था, किसी की सिफारिश थी कि भाई ये तो नायब हीरा जो है आशा किरण के अंदर लगाया जाएगा, ये नायब हीरा पीडब्ल्यूडी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया जाएगा, ये नायब हीरा अनबरासू जो है जल बोर्ड के सीईओ लगाए जाएंगे, ये नायब हीरा एसी वर्मा है इसको जो है फाइनेंस का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया जाएगा, ये महान आदमी जो रिटायर हो गए नरेश कुमार इनको रिटायर नहीं होने दिया जाएगा, इनको दोबारा चीफ सेक्रेटरी बनाया जाएगा। कोई तो मापदंड होगा, कोई तो तरीका होगा, एलजी साहब ये बताएं कि किस मापदंड के हिसाब से एलजी साहब ने इसको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, आज दो दिन हो गए इस खबर को चलते हुए और खबर क्या चल रही है सरकारी तौर पे तो अभी तक हमें बताया नहीं गया, आप ही लोगों के टीवी और अखबारों के माध्यम से पता चला है कि वहां पे लोगों को जो वहां पे काम जो रह रहे थे लोग उनको खाना नहीं दिया जा रहा था, वो मेल न्यूट्रिशन थे, पानी के लिए साफ हो सके वहां आरओ नहीं लगाया गया था, वो बीमार पड़ रहे थे तो उनका इलाज नहीं कराया जा रहा था, उनको सहूलियतें नहीं दी जा रही थी। जब ये सारी चीजें सामने आ गई तो अब तक एलजी साहब ने इस एडमिनिस्ट्रेटर को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं एलजी साहब? सोशल वेलफेयर विभाग के सचिव विनोद तावले, उनको अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? एडमिनिस्ट्रेटर की सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि वो कभी जाए दौरा करे, देखे कोई गड़बड़ी है तो उसके ऊपर कार्रवाई करे, सुपरविजन तो एक सबसे बड़ी ड्यूटी है सेक्रेटरी की, जो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है उसकी ड्यूटी है, उनके ऊपर अब तक दोनों के ऊपर एलजी साहब ने क्यों कार्रवाई नहीं की, किस चीज का इंतजार एलजी साहब कर रहे हैं? और तीसरा सवाल, एमसीडी के अंदर खुल्लम खुल्ला सब कुछ साफ हो गया, किस तरीके से गड़बड़ी करके राजेंद्र नगर के अंदर पानी भरा, किस तरीके से गलत तरीके से वहां पे बेसमेंट्स के अंदर कमर्शियल यूज हो रहा था, सबके सामने है, मैंने वीडियोस पब्लिक कर दी जिसमें साफ हो गया चीफ सेक्रेटरी ने बार बार कहने के बाद भी डीसिल्टिंग की रिपोर्ट मंत्री को नहीं भेजी, लिखित मांगने पर भी उसने डीसिल्टिंग की रिपोर्ट नहीं भेजी, डीसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट के निर्देश के बाद भी डीसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराई, ये साफ हो गया, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कागज मैंने दे दिए, यूओ नोट मैंने दे दिए, डायरेक्शन मैंने दे दी, वीडियो मैंने दिखा दी, अब तक एलजी साहब ने मुख्य सचिव पे कार्रवाई क्यों नहीं की, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं एलजी साहब? कार्रवाई तो करनी चाहिए, एमसीडी में अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं करी? कमिश्नर नहीं तो डीसी को ही सस्पेंड करो, कुछ तो करो। डीडीए के नाले के अंदर एक मां बेटिया मर गए क्योंकि डीडीए के नाले पे स्लैब नहीं था, अब तक डीडीए में क्यों कार्रवाई नहीं की एलजी साहब ने? वो तो सीधा उनके अधीन आता है, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार किस चीज का हो रहा है? क्या अफसरों को इस तरीके के निकम्मेपन के लिए रिवॉर्ड देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पनिशमेंट तो दे नहीं रही है? ये सवाल है जो दिल्ली वाले पूछ रहे हैं।